टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने रविवार को अपने इंदौर के घर में सुसाइड कर ली थी। वैशाली ने यह रिश्ता क्या कहलाता है और ससुराल सिमर का जैसे टॉप रेटिंग वाले शो में काम कर चुकी थी। 29 साल की वैशाली अपने कमरे में पंखे से लटकी मिली। वहीं एक्ट्रेस के सुसाइड जैसे कदम उठाने से उनके परिवार ही नहीं बल्कि उनके फ्रेंड्स और दोस्त भी सदमे में हैं। इन सब के बीच पुलिस को वैशाली के कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने अपनी आत्महत्या की वजह और जिम्मेदार लोगों के नाम भी लिखे हैं। चलिए जानते हैं वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में अब तक क्या क्या हुआ है। पुलिस ऑफिसर आरडी कवा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया था कि साइबा कॉलोनी के लोकल रेजिडेंट्स ने पुलिस को खबर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ठक्कर के घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर का नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया था। वैशाली कमरे में पंखे से लटकी हुई थी। इसके बाद फौरन वैशाली के सब को नीचे उतारा गया और पुलिस उन्हें हुआ पाया एवं अस्पताल ले गयी, लेकिन डॉक्टर्स ने वैशाली को मृत घोषित कर दिया। वहीं जांच के दौरान पुलिस को वैशाली के कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला था। एक्ट्रेस ने आपको मेरी कसम है खुश रहे आई क्वाइट लिखकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 306 के तहत केस दर्ज कर लिया था। वहीं पुलिस ने रविवार को आरोपी राहुल नवलानी को हिरासत में भी ले लिया था। फिलहाल पुलिस उसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस ने वैशाली का सुसाइड नोट, डायरी और फोन भी जब्त कर लिया है। पुलिस वैशाली के सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि जरूरत पड़ने पर परिजनों के अलावा सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस जब्त मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेज भी जांच करवाएगी। वैशाली ठक्कर पिछले कई सालों से टीवी इंडस्ट्री में राज कर रही थी। उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट सीरियल में काम किया है। उन्हें ससुराल सिमर का ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे टीवी सीरियल के अलावा सुपर सिस्टर, विज या अमृत, मनमोहनी 2 और ये है आस्की में भी नजर आ चुकी थी। दोस्तों अगर आपकी वैशाली ठक्कर के बारे में कोई भी राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।